હવે જોઈએ કોરોનાની દસમોટી ખબર। भारत में विश्व सौथी मोटो रसीकरण कार्यक्रम शुरू थई गयो छे। त्यारे रसी मामले वधु एक सारा समाचार सामे आव्या। भारत ने 1 करोड़ रसीना डोज फ्री में आपवानी सीरमे जाहेरात करी होवानी जानकारी मिली छे। सीरम इंस्टीट्यूट ना सीईओ पुनावालाए कह्युं, सीरम पासे हाल 5.3 करोड़ वेक्सिनना डोज तैयार छे, जेमांथी लगभग 2.5 करोड़ डोज एक्सपोर्ट करवामां आवशे, त्यारे अन्य 2.5 करोड़ भारत ने मळशे। सूरत में वधु एक नेताए कर्यो तमाशो। पूर्व कोर्पोरेटर निलेश कुंभाणीए तोड्या नियमो। फार्म हाउस में योजायेली बर्थडे पार्टी में लोगों ने जमवा बोलाव्या हता। जमवा आवेला लोगों नथी मास्क पहेर्यु के नथी सोशल डिस्टन्सिंग जाळव्यु। कोंग्रेसना पूर्व कोर्पोरेटर नो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो। वधु एक राजकीय कार्यक्रम में नियमों धजागरा उड़िया। भरूचना जिला कोंग्रेस समिति की हती शिबिर। शिबिर में कोरोना गाइडलाइन नेवी मुकवामां आवी। स्थानिक स्वराज की चूंटणी मामले महिला संगठन की हती शिबिर। जीपीसीसी ट्रेनिंग इन्चार्ज ऋत्विक जोशी और तृप्तिबेन जवेरी अध्यक्षता में योजाया था कार्यक्रम। मास्क और सामाजिक अंतर भूली नेताओं नियमों नेवी मुक्या होवानी तस्वीरों सामे आवी। एक तरफ भारत में वेक्सिनेशन की प्रक्रिया शुरू थी गई है, त्या बीजी तरफ भारत में कोरोना सामे एक नवा हथियार की मंजूरी मिली थी अटकड़ों से। एक्सपर्ट कमिटीए भारत बायोटेक ने नसल वेक्सिन पहला और बीजा चरण ट्रायल ने मंजूरी आपी है। टूंक समय में नसल वेक्सिन ट्रायल थे शुरू। रिसर्च में सामे आयु कि नाक थी अपाती आ वेक्सिन इंजेक्शन वाली वेक्सिन करता वधारे सारी है। આજથી ભારત સરકારે ભૂટાન, માલદીવ, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ અને મ્યાનમારને અનુદાન સહાયતા તરીકે કોરોના વેક્સિનની આપૂર્તિ શરૂ કરી। ભારત તરફથી સૌથી પહેલા ભૂટાનને કોવિશિલ્ડ વેક્સિનના 1.5 લાખ ડોઝ મોકલવામાં આવ્યા છે। સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે વેક્સિનને મુંબઈથી ભૂટાનના થિમ્પુ રવાના કરી છે। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वेक्सिनेशन अंगे माहिती आपता कहे छे कि देश में जितना लोगों ने वेक्सिन अपाय छे तेमांथी मात्र 0.18 लोगों में ज साइड इफेक्ट जोवा मळी छे, ज्यारे 0.002% लोगों ने हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या। स्वास्थ्य मंत्रालय जणाव्युं छे कि वेक्सिन ने पगले लोगों अफवाओ पर ध्यान न आपवुं। कोरोना सामे लड़वा माटे दुनियाभर में रसीकरण तो शुरू थई गयु छे, परंतु विश्व आरोग्य संस्थाए चिंता करी छे कि गरीब देशों सुधी रसी नथी पहुंची। विश्वना तमाम देशों ने रसी मळी रहे ते माटे डब्ल्यूएचओए कोवेक्सिन कार्यक्रम शुरू कर्यो, परंतु अत्यार सुधी में रसी माटे 56 द्विपक्षीय सौदाओ थई जता कोवेक्स कार्यक्रम जोखम में मुकायो। डब्ल्यूएचओए कहे छे कि पहला मने रसीनी दुनियानी विचारधारा सौथी गरीब देशों ने जोखम में मुकी देशे। भारत में कोरोना केसनी संख्या में घटाड़ो। एक दिवस में कोरोना केस 13,823 नोंधाया, जैसे 162 दर्दी मृत्यु थया। देश में कोरोना अत्यार सुधी में कुल 1,05,00,000 केस नोंधाया। अत्यार सुधी में कोरोना थी देश में 1,52,000 दर्दीओए जीव गुमाव्या। आ साथ अत्यार सुधी में कुल 1,02,00,000 थी वधु दर्दीओ कोरोना सामे स्वस्थ थया। अमदावाद थी कोरोना अंगेनी सौथी मोटी राहतनी खबर। खानगी कोविड 19 डेजिग्नेटेड होस्पिटल में 94% बेड खाली। 90 खानगी होस्पिटल में कोरोना दर्दियों 3,395 बेड उपलब्ध है। हाल मात्र 232 बेड पर ज कोरोना पॉजिटिव दर्दियों सारवार हेठळ छे। हाल 3,163 बेड खानगी होस्पिटल में खाली है। आइसोलेशन 1,289 में हाल मात्र 67 बेड पर दर्दियों सारवार हेठळ छे। समग्र विश्व में कोरोना केस काबू में आवानी आंशिक शुरुआत थई चुकी छे, छतां आखा विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.61 करोड़ थी वधु नोंधाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जणाव्या मुजब विश्व में 13 देश और टापुओ कोरोना मुक्त थया छे। जो कि 131 देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन चालू थयुं, जेमां अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, यूके, ब्राजील जेवा देशों सामेल छे। भारत में हजू कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं थयुं। भारत में कोरोना महामारी फाटी निकलता 1 वर्ष बाद लक्षद्वीप में कोरोना संक्रमण प्रथम केस सामे आव्यो। भारत में 30 जानुआरी 2020 रोज कोरोना संक्रमण प्रथम केस सामे आव्यो हतो। सूत्रों पासेथी मळेली माहिती मुजब इंडिया रिजर्व बटालियन नो एक जवान कोचीथी जहाज द्वारा लक्षद्वीपनी राजधानी कवारथी पहोंच्यो हतो, जेनो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो हतो।